हेलो बच्चों, आज का नया टॉपिक है कॉलम वाल, रिटेनिंग वाल और चिमनी के बारे में स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन है इसका, ईंट कामा पत्थरों कामा कंक्रीट ब्लॉक से चिनाई करके खड़ी की गई रचना चिनाई संरचना कहलाती है। यानी कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसे तैयार होगा, कंक्रीट से होगा, स्टोन से होगा, कंक्रीट ब्लॉक से, ब्लॉक की चिनाई करके जो भी हमारी संरचना खड़ी की जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, चिनाई संरचना कहलाती है। चिनाई संरचना में मुख्यतः क्या कहते हैं, वॉल आता है यानी कि दीवार, कॉलम यानी कि स्तंभ, चिमनी, रिटेनिंग वॉल ETC आदि आते हैं। संरचना है तो संरचनाओं पर भार भी कुछ ना कुछ पड़ेगा, तो भार के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। संरचनाओं पर इनके स्वयं के भार के अतिरिक्त विंड लोड, सॉयल फिलिंग का लोड तथा जल का भार आता है। यानी कि लोड पर विंड लोड भी आएगा, अगर देखें तो स्नो यानी कि बर्फ का भी लोड आएगा, अर्थक्वेक लोड भी आता है उस पर, यही सब बहुत सारे लोड आते हैं। संरचनाओं पर आने वाले भारों को उनकी क्रिया रेखा तथा संरचना के अक्ष की स्थिति के अनुसार इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो अगर लोड पड़ते हैं संरचना पे, वो टू टाइप्स का पड़ता है। पहला तो हमारा एक्सियली लोडेड पड़ता है, दूसरा हमारा क्या होता है, इसेंट्रिक लोड पड़ता है। पहले की बात करें अगर एक्सियल लोड क्या होता है, वह भार जिसकी क्रिया रेखा तथा वह संरचना या उसका उपान जिस पर वह लगा हो के अक्ष की स्थिति एक ही रहती है, एक्सियली लोडेड कहलाता है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये हमारा कोई कॉलम है, ठीक है, ये हमारी कोई कॉलम है, इसकी हमारी एक्सिस होगी, तो क्या होगा, इस पर जो लोड पड़ेगा वो क्या होगा, इसी पे एक्सियली पड़ेगा। यानी कि जो हमारा ये एक्सिस है इसी एक्सिस पे ही, यानी कि ये जो हमारा एक्सिस है इसी एक्सिस पे, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्चुअली लोडेड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली लोडेड कहलाता है। यल जो हमारा है ये क्या पड़ रहा है, लेटरली लोड पड़ रहा है, ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन लिखा हम आपको डायग्राम द्वारा समझाते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होती है। ये सिंपल सी क्या है, कोई हमारा कॉलम है, ठीक है, इसका ये हमारा क्या एक्सेप्ट, अगर यहाँ पे लोड पी लोड पड़ता है तो ये तो हमारा एक्सेली लोडेड हो जाए, लेकिन ये अपने अक्ष से अगर किसी दूरी पर यानी कि ई दूरी पे या एक्स दूरी पे अगर हमारा कोई लोड पड़ता है, ये हमारा लोड क्या होता है, पी पड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। यानी कि इसेंट्रिक लोड के कारण हमारा क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा, तो मोमेंट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इंटू ई, यानी कि लोड इंटू इसेंट्रिसिटी। जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोमेंट एम बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और जो हमारी यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंट, तो जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम बराबर क्या होता है, फोर्स यानी कि लोड इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बराबर तो क्या हो जाएगा, लोड हमारा क्या पड़ रहा है, पी पड़ रहा है, इंटू जो डिस्टेंस है वो कितना पड़ा, पी पड़ा, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी लोड। जो अपने अक्ष से हट के किसी किनारे पे लोड पड़ता है, कुछ दूरी पे लोड पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी का, ये हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं रिटेनिंग बल। रिटेनिंग बल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, प्रतिधारक दीवार ऐसे दीवार को कहते हैं जो निर्माण के बाद अपने पीछे भरी हुई मृदा अथवा ऐसे ही अन्य ढीले पदार्थ के भराव को रोके रखी है, वो हमारी क्या कहलाती है, रिटेनिंग वाल कहलाती है। प्रतिधारक दीवार ऐसी दीवार को कहते हैं जो निर्माण के बाद अपने पीछे भरी हुई मृदा या ऐसे ही अन्य किसी ढीली मृदा के भराव को रोके रखती है, वो हमारी क्या कहलाती है, रिटेनिंग वाल कहलाती है। ज़्यादातर आप लोग रिटेनिंग वाल जलीय संरचनाओं में भी देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, पानी के किनारे रिटेनिंग वाल लगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, पानी के द्वारा मिट्टी कट करके उसका इरोजन ना हो, ठीक है।
तो मृदा या ऐसे ही अन्य पदार्थों के भराव को रोके रखने वाली दीवार क्या बोलते हैं, प्रतिधारक दीवार यानी कि रिटर्निंग वॉल कहते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक हमारा आता है अर्थ प्रेशर, एक हमारा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा हमारा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। ये आप लोगों ने सॉइल में पढ़ चुका हुआ है अर्थ प्रेशर के टॉपिक में, तो हम आपको बता देते हैं अर्थ प्रेशर का। दीवार के पीछे रोके गए मृदा भराव के द्वारा दीवार पर आने वाले दाब को मृदा दाब कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, दीवार के पीछे भरे गए मृदा भराव द्वारा दीवार पर आने वाले पार्श्व दाब यानी कि लेटरली प्रेशर, जो हमारा पार्श्व दाब, ये क्या होगा, ये पार्श्व दाब को एक्टिव अर्थ प्रेशर। यहाँ पे क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा, दीवार के पीछे भरे गए मृदा भराव द्वारा दीवार पर आने वाले लेटरली दाब को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीवार के आगे यानी कि स्थित, दीवार के आगे स्थित मृदा के पार्श्व प्रतिरोध को पैसिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। एक्टिव में क्या होगा, अवे मूवमेंट, और पैसिव में क्या होगा, टूवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। एक्टिव में क्या होगा, वाल के अवे मूवमेंट होगा, और पैसिव में क्या होगा, वाल के टूवर्ड की ओर मूवमेंट होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाता है। अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिफ्यूज विश्राम कोण की, ये भी आप लोगों ने सवाल में पढ़ा हुआ है, किसी खुले स्थान पर डाली गई मृदा के ढेर द्वारा बनी स्थिर ढाल जिसमें नीचे की ओर फिसलने की प्रवृत्ति शेष न हो तथा क्षैतिज समतल के बीच बनने वाले कोण को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इससे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। लाइक एग्जांपल, ये हमारा क्या रिटर्निंग वॉल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मृदा होंगी, यहाँ पे मृदा का कुछ ना कुछ ढाल होगा ना, एक मिनट हम आपको बताते हैं, यहाँ पे मृदा का ढाल होगा कुछ ना, ये हमारा कुछ ना कुछ क्षैतिज डिस्टेंस होगी, क्या होगा, जो सॉइल कुछ ना कुछ तो फाल गिरेगी ना। अगर हम मिट्टी के यहाँ पे ढेर लगाएंगे तो ढेर तो लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, मिट्टी सड़क के नीचे आएगी ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज हो गया, तो जब कुछ ना कुछ नीचे मूव करेगी तो इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेपोजेडियल रिटेनिंग वाल की बात, तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में बनाया गया है, ये क्या है, ये ट्रेपोजेडियल रिटेनिंग वाल बनाया गया है, ये हमारा क्या है, प्रेशर डायग्राम है। यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है रिटेनिंग वाल में, हमारा डब्ल्यू फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे है। रिटेनिंग वाल का जो ऊपर का डिस्टेंस है स्मॉल है, नीचे का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल, सब आपने ये सब सवाल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 36 दाब टूटता जब निकालेंगे मृदा का 36 दाब टूटता, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा W कैपिटल H का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पे करेक्शन में क्या हो जाएगा, मृदा का जो 36 दाब ये बराबर होगा WH स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई। H जो होगी वो हाइट होगी, W जो होगा वो भार होगा, फाई जो होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 36 दाब का परिणाम यानी कि दीवार का स्वयं का भार, W बराबर क्या होगा, रो इंटू वी, तो V बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट जो होगा वो 1 मीटर मान लेंगे, तो रो हो जाएगा। ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एच बाई 2, ये हमारा क्या होता है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया होता है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है रो घनत्व हो गया, एरिया हमारा क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच इंटू 1 मीटर हाइट, यानी कि किलो मीटर में टोटल आएगा, ये हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, एक्स बार की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये जो हमारा एक्स बार है जो डायग्राम में आपको एक्स बार दिख रहा है, एक्स बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, स्मॉल ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ये है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन के ऊपर सिरे की चौड़ाई होगी,
और बीच जो होगा ट्रेपेजोइडल सेक्शन के जो बेस नीचे सिरे की चौड़ाई होगी, इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा है, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन है फॉर्मूला लाने का वो बहुत बड़ा है, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया है। एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे डायग्राम की, एक हमारा ट्रेपेजोइडल सेक्शन है यहाँ पे, ये हमारा क्या ट्रेपेजोइडल सेक्शन बना हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हमारा एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन बना हुआ है, ये हमारा ट्रेपेजोइडल सेक्शन बना हुआ है जिसपे हमारा पी फोर्स लग रहा है एट बाई थ्री डिस्टेंस पे, रिटेनिंग वाल जो रिटेनिंग वाल की टोटल हाइट कैपिटल एच है, इसमें एक्स दूरी पर डब्ल्यू हमारा नीचे की तरफ लोड लग रहा है जिसका रिजल्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे आर है, जिसका रिजल्टेंट क्या है आर है, आर का यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना होगा आर डैश होगा, तो इसको रोकने के लिए ये जो हमारे नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ क्या लगेगा पी डब्ल्यू लोड लगेगा, ठीक है, और इधर की तरफ हमारा क्या लगेगा पी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो मूवमेंट को रोकने के लिए ये हमारा जो पी फोर्स इधर लग रहा है तो पी फोर्स इधर भी लगेगा, ठीक है, और जो हमारा डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा डब्ल्यू लगेगा, और जो इसका रिजल्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे आर है ना रिजल्टेंट, तो इसका जो हमारा होगा यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा वो हमारा आर डैश होगा, फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट है, यहाँ बी पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जेड होगी, जो हमारा आधार चौड़ाई होगी वो स्मॉल बी होगी, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखाया गया है बी इंटू चौड़ाई का रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो चौड़ाई है वो कितनी है बी दी है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसकी जो हाइट है वो हम 1 मीटर मार के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पहले मैं आपको फिगर समझा दे रहा हूँ, आपको पता है जो हमारे इसेंट्रिसिटी जो लग रही है वो कहाँ लग रही है, इस पॉइंट से लेकर के, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ से लेकर के जो बी के हाफ डिस्टेंस तक हमारी क्या इसेंट्रिसिटी लग रही है। इसेंट्रिसिटी क्यों लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में जो हमारा डब्ल्यू यहाँ पे लोड पड़ रहा है वो कहाँ पे पड़ रही है, एक्स डिस्टेंस पे पड़ रहा है ना, वैसे सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसका रिजल्टेंट ये हमारा डब्ल्यू जा रहा है, ये तो हमारा डब्ल्यू जा रहा है रिजल्टेंट जा रहा है ना, तो वहाँ से जो हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन इसके हाफ यानी कि सेंटर तक की जो दूरी होगी ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी इसेंट्रिसिटी ई होगी, ई होगी ना, सिंपल सा है। तो हमारा जो बी सेक्शन ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन की जो चौड़ाई है वो कितनी टोटल बी है, तो आधा हमारा कितना हो जाएगा बी बाई टू हो जाएगा, टोटल चौड़ाई बी है तो आधी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी बी बाई टू हो जाएगी, सिंपल सी है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम सेक्शन माना हुआ है बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, ये सब अलग अलग सेक्शन माना हुआ है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी 1 मीटर है। तो हम आपको डायग्राम में यहाँ से समझाते हैं, इस चित्र के अनुसार बी ई बराबर जेड दिया हुआ है, यानी कि बी ई बराबर जेड, ये जो हमारे बी और ई की जो दूरी है वो कितनी जेड हो, तो पी डब्ल्यू तथा आर डैश के घटकों का बिंदु बी मान करके आगे लेंगे, यानी कि जो भी हम मोमेंट लेंगे वो कहाँ पे लेंगे बी पे लेंगे, अगर हम पी का मोमेंट लेंगे तो पी से बी की तरफ मोमेंट लेंगे यानी कि पी इंटू एच बाई थ्री लेंगे, अगर W का मोमेंट लेंगे तो B की तरफ लेंगे, यानी कि मोमेंट W के लिए क्या हो जाएगा P होगा, एक मिनट अगर हम बात करें W के लिए मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा B पे ही तो लेंगे, तो क्या होगा W इंटू डिस्टेंस x बार है तो x बार हो जाएगा। अगर हम इस वाले W की बात करें जो कि इसको रोके रख रहा है ऊपर वाले W का रिजल्टेंट आ है तो यहाँ पर हमारा W लगेगा, इस W की अगर हम बात करें तो इस W के कंडीशन में क्या होगा हमारा जो बी सेक्शन पे मोमेंट लेंगे तो क्या होगा W इंटू हमारे जेड यू तो होगा
अगर हम आर की बात करें तो आर क्या है हमारा, यहाँ पे अगर आर की बात करें तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस कुछ नहीं है, जीरो है तो जीरो है। अगर यहाँ पे जो पी हमारा डैश या पी डैश या पी जो भी हमारा डिएक्टेंट लग रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो इसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस जीरो होगी इसकी, क्योंकि ये कहाँ पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। तो अगर हम बात करें आघूर्ण की तो बी पॉइंट पे आघूर्ण लेंगे तो क्या होगा, पी इन टू एच बाई थ्री वही तो लग रहा है, पी इन टू एच बाई थ्री प्लस हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू इन टू एक्स बार हो जाएगा, डब्ल्यू इन टू क्या हो जाएगा एक्स बार हो जाएगा, यानी कि पी इन टू एच बाई थ्री प्लस डब्ल्यू इन टू एक्स बराबर। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी तो लग रहा है इसी का रिजल्टेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डब्ल्यू लग रहा है तो डब्ल्यू इन टू एक्स जेड हो जाएगा बी पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा पी पॉइंट पे जीरो लग रहा है तो पी इंटू जीरो होगा। यहाँ से जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जेड बराबर हमारा क्या निकल गया एक्स बार प्लस पी अपॉन डब्ल्यू इंटू एच बाई जेड, क्योंकि जेड हमको यही निकालना है तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। जेड को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा पी इंटू एच अपॉन डब्ल्यू थ्री हो जाएगा, और ये डब्ल्यू जब इधर आएगा तो क्या होगा डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा यानी कि एक्स बार बचेगा, तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या होगा जेड बराबर एक्स बार प्लस पी अपॉन डब्ल्यू इंटू एच बाई थ्री होगा। इसके बाद बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे ई बराबर जेड माइनस पी बाई टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जेड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ई है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा जेड माइनस बी बाई टू, यही तो होगा हमारा। ये इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो क्या होगा टोटल हमारा ये जेड है, जेड में से बी बाई टू घटाएंगे तभी तो हमारा इसेंट्रिसिटी निकल गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है भार की उत्तेजिता ई बराबर जेड माइनस बी बाई टू, सिंपल सा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बंकन आघूर्ण की तो बंकन आघूर्ण हमारा क्या होता है डब्ल्यू इंटू ई, ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस होगा तो बंकन आघूर्ण हमारा क्या होगा डब्ल्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अक्षीय प्रतिबल स्ट्रेस बराबर क्या होता है लोड अपान एरिया, तो लोड हमारा डब्ल्यू होगा। और अगर हम बात करेंगे रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया तो रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया क्या होगा बी इंटू एच, तो बी तो बी होगा, एच हमारा क्या है एक मीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू अपान वन इंटू बी होगा अच्छी भाव, लोड अपान एरिया ही तो होगा तो लोड हमारा क्या डब्ल्यू है। और एरिया की बात करें तो बी इंटू एच, तो एच हमारा वन है तो क्या हो जाएगा बी इंटू वन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी इंटू वन, यानी कि अच्छी प्रतिबल जो होगा वो क्या होगा डब्ल्यू बाई टू होगा। अगर हम बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस की तो सेक्शन मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है जेड बराबर आई अपान वाई, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखेंगे सेक्शन मॉडुलस जो जेड बराबर होता है रेक्टेंगल सेक्शन के केस में बी डी स्क्वायर बाई सिक्स होता है, क्या जो हमारा जो जेड होता है यानी कि परिच्छेद मापांक सेक्शन मॉडुलस जो होता है रेक्टेंगल के केस में वो कितना होता है बी डी स्क्वायर अपॉन सिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम जेड लेते हैं वो किस एक्सिस में ले रहे हैं वो वाई एक्सिस के केस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के केस में लेते थे तो हमारा क्या होता था बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, लेकिन जब वाई एक्सिस के केस में हम लेंगे तो क्या हो जाएगा डी बी स्क्वायर अपॉन सिक्स, यानी कि जो डी होगा वो वन मीटर होगा इंटू बी स्क्वायर अपॉन सिक्स होगा, वह यहाँ पे लिखा हुआ है वन इंटू बी स्क्वायर अपॉन सिक्स, यानी कि डी की जगह वन हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सिक्स हमारा क्या होगा ये हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है बंकन प्रतिबल निकालना है, तो बंकन प्रतिबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये हमारा ये फॉर्मूला होता है यम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे यम इंटू वाई अपन आई, यही तो होगा यम इंटू वाई अपन आई ये होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं यम बराबर जेड लिख सकते हैं, जेड इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जेड बराबर हमारा क्या होगा आई बाई वाई होगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा स्ट्रेस की वैल्यू होगा यम बाई जेड होगा, जब यम बाई जेड होगा तो यम बराबर क्या हुआ
यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या है, w इंटू है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, w इंटू की हो जाएगी। z की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सिक्स। जब z की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो बी स्क्वायर जो नीचे सिक्स रहेगा वो ऊपर की चला जाएगा, यानी कि जो हमारा बंकन स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस सिक्स डब्ल्यू ई अपॉन बी स्क्वायर। पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव के केस में क्या होगा, निगेटिव लेंगे। इसके बाद बात करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। स्ट्रेस में हमारा क्या होगा, एक्सियल लोड भी लगेगा, इसेंट्रिक लोड भी लगेगा, तो दोनों के कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी बाई ए हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू बाई बी जो ऊपर निकाले हैं, प्लस माइनस ये हमारा इसेंट्रिसिटी के केस में क्या होगा, एम बाई जेड। यानी कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा यहाँ पर क्या होगा, पी अपान ए कहिए या डब्ल्यू अपान ए प्लस माइनस एम बाई जेड। अभी ऊपर आप निकाले हैं, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डब्ल्यू अपन बी प्लस माइनस सिक्स डब्ल्यू इंटू ई अपन बी स्क्वायर। यहाँ से डब्ल्यू बी जब कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस डब्ल्यू अपन बी ब्रैकेट में वन प्लस माइनस सिक्स इंटू ई डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चिनाई में, चिनाई के केस में जो तनन स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी बाई सिक्स होना चाहिए। ई की वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन या इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, बी बाई सिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिटेनिंग वाल के कंडीशन में इसकी जाँच करेंगे। रिटेनिंग वाल की जो जाँच होगी वो क्या होगा, स्लाइडिंग के केस में जाँच करेंगे, टेंशन स्ट्रेस के केस में जाँच करेंगे और मैक्सिमम स्ट्रेस के केस में जांच करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सरकने के केस में जांच करेंगे। पहला वाला था, सॉरी, पलटने के केस में पहला था और लास्ट वाला जो है वो आपको क्या, सरकने स्लाइडिंग के केस में आपको जांच करनी है। तो दीवार का पलटने के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसेंट्रिसिटी होती है ये लेस देन या इक्वल टू बाई टू हो जाएगा। तनन के केस में जो हमारा क्या होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन स्ट्रेस होगा, वो क्या होगा, ई लेस देन या इक्वल टू बी बाई सिक्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस की, चिनाई का अधिकतम प्रतिबल कहाँ पे, क्रशिंग के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा डब्ल्यू अपॉन डी ब्रैकेट में वन प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिएगा, सिक्स डी अपॉन डी होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट बात करते हैं, अगर सरकने के केस में जाँच, तो P बराबर यहाँ पे लोड बराबर क्या होगा, न्यू इंटू डब्ल्यू होगा। P जो है वो क्षैतिज बल है, न्यू जो है वो घर्षण गुणांक है। ठीक है, न्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0.6 से 0.7 लिए रहते हैं। इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में, इसलिए न्यू की वैल्यू आप याद रखेंगे। जो घर्षण कोफिशियंट है, जो फ्रिक्शन कोफिशियंट, न्यू की जो वैल्यू वो कितनी है, 0.6 से 0.7 लिया जाता है। ठीक है, यही आपका डिजाइनिंग का केस था। अब इसके बारे में आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं हम। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, 6.6 मीटर मृदा भराव को रोकने के लिए एक आयताकार खंड की प्रतिधारक दीवार के लिए आवश्यक चौड़ाई, यानी कि बी की वैल्यू ज्ञात करना है। मृदा का भार 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंगल ऑफ रिपोज 32 डिग्री, चिनाई का भार 19.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, मृदा भराव शिखर के समतल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी कि गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, जो टोटल हाइट है वो 6.6 है, मृदा का भार जो डब्ल्यू है 16 किलोमीटर है, एंगल जो है वो 32 डिग्री है, और चिनाई का जो भार है वो कितना है, 19.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, पी बराबर डब्ल्यू एच स्क्वायर 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। डब्ल्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है 16, एच की वैल्यू 6.6 डिवाइड बाई 2, फाइव की जो वैल्यू है वो 32 डिग्री। यहाँ पे जब टोटल वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा दाब होगा वो कितना आएगा, 107 किलो न्यूटन। अगर हम बात करेंगे दीवार की भार, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या होगा, रो इंटू एरिया, यानी कि एच इंटू बी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा, रो की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, चिनाई का यहाँ पे भार कितना दिया हुआ है, रो की वैल्यू 19.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है।
यहाँ पे रख देंगे रो की वैल्यू 19.8 और एच की वैल्यू 6.6। हमको निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है, तो डी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या जो है कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 130.68 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, आधार खंड के लिए हमको पता है एक्स बार बार अगर क्या होता है d/2 होता है, तो उत्केंद्रता के केस में क्या होगा, e < d/6 हमने बताया था, e < d/6 हमने आपको बताया था ऊपर, तो यहाँ पे क्या जाएगा e = d/6 हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं e = क्या था फॉर्मूला, z - d/2 होता है, e = z - p/2 होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, z = क्या होगा, यहाँ पे z = क्या हो जाएगा, e + b/2 यही तो होगा। तो e की वैल्यू कितनी है, b/6 है, और b/2 यहाँ पर दिया हुआ, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b/3। हमको एक फॉर्मूला पता है, z = x^(p/w+h/3। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू, w की वैल्यू, h की वैल्यू, 3 की वैल्यू, x^(x^2) की वैल्यू और z की वैल्यू जब रखेंगे, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन जो निकल के आएगा, यहाँ से जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3.286 मीटर। ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करना यहाँ पे ईजी है, ये आपका निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है आपका जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, एक ट्रेपेजोइडल रिटेनिंग वाल है जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर, ऊंचाई 8.5 मीटर तथा आधार तले की चौड़ाई 5.5 मीटर है। ये जो चौड़ाई है ऊपरे तली की चौड़ाई, स्मॉल ए जो फिगर में हमने करवाया था वो है, ये आपका स्मॉल भी है 5.5 मीटर। यदि दीवार का मृदा फलक ऊर्ध्वाधर हो तो ऊर्ध्वाधर हो तथा मृदा शिखर के समतल हो तो दीवार के अस्थायित्व की जांच, यानी कि स्लाइडिंग में, क्रशिंग में, पलटने में इसकी जांच करना पड़ेगा। मृदा का जो भार है वो 16.2 है, kN/m² है, फाई जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे न्यू जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.60 है, चिनाई का भार जो रो दिया हुआ है 20 किलोमीटर/मीटर, की संतुलन जो स्ट्रेस है वो हमारा 650 किलोमीटर। ये सब गिवन डाटा आप लिख लेंगे, स्मॉल ए 2.5, स्मॉल बी 5.5, एच 8.5, न्यू आपका 10.6, रो आपका 20 है, ये आपका डब्ल्यू आपका 16.2 है, फाई आपका 30 है, क्रशिंग स्ट्रेस जो है आपका कितना है 650। ये आप गिवन डाटा यहाँ पे सब लिख लेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल लिखा हुआ है क्या क्या गिवन है दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, फार्मूला आपको पता है, मृदा भार निकालना, p = WH²/2 - sin 7 + sin 5, W की वैल्यू 16.2, H की वैल्यू 8.5, फाई आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो P की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 195.07 किलोन्यूटन। अगर हम बात करते हैं दीवार का स्वयं का भार, W = क्या होगा, रो इंटू एरिया, तो रो तो हमारा रो होगा, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का एरिया क्या होता है, a + b/2 × h होता है। यहाँ पे सही वैल्यू दी है, a की वैल्यू 2.5, b की वैल्यू 5.5, रो की वैल्यू 20, h की वैल्यू 8.5। यहाँ पे जब ये सब वैल्यू रखेंगे तो w हमारा निकल के कितना आएगा, 680 किलोन्यूटन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर x बार का फॉर्मूला क्या होता है, a² + ab + b² + c a + b। यहाँ पे जब सभी वैल्यू पुट करेंगे तो x बार की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2.093 निकल के आएगी। इसके बाद हमको z का फॉर्मूला पता है, z = x^(p/h)/d/3 क्या होगा, 3 × w। यहाँ पे जब सभी वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2.905 निकल के आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी के केस में। इसेंट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, e = z - b/2, जेड की वैल्यू रखेंगे, अभी आपको पानी चला हुए हैं, बी की वैल्यू आपको पता है, डिवाइड करके यहाँ से इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी निकल के आएगी, 0.155 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, जांच के कंडीशन में तीन कंडीशन है, तनन प्रतिबल के लिए जांच करेंगे, सड़कने के लिए जांच करेंगे, संतुलन के लिए जांच करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, तनन के लिए क्या होता है, e < b/6 होता है, e की वैल्यू निकाले हैं, b/6 की वैल्यू 0.916, यानी कि ये हमारा आ रहा है, यानी कि तनन प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि तनन प्रतिबल जो होगा वो जांच के लिए सही है। सड़कने के लिए जांच करेंगे तो क्या होगा, p < क्या होगा, μ × w, p की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 195.07, न्यू की वैल्यू 0.6,
डब्ल्यू की वैल्यू 680, यहाँ पे कैलकुलेशन करो क्या हुआ, ई जो होगा लेस देन किसके होगा, न्यू पॉइंट डब्ल्यू के लिए, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, सरकने के प्रति सुरक्षित है, यानी कि स्लाइडिंग नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं संतुलन क्रसिंग के लिए जाँच, संतुलन के लिए जाँच, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है डब्ल्यू इंटू बी वन प्लस 6e डिवाइड बाई बी, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 144.54, यानी कि जो संतुलन के लिए हमारा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, संतुलन के लिए क्वेश्चन में हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 650 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और हमारा जो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है 144, यानी कि ये कम आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे भी सेफ है। ठीक है बेटा, तो ये आपका दो न्यूमेरिकल यहाँ पे हमने आपको करवा दिया है, हमें नहीं लगता है आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी। अगर आप फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को, थैंक यू।